हाय, माय नेम इज मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया के बारे में। एनएलसी इंडिया एक्चुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है और ये स्पेशली पावर सेक्टर्स में काम करती है। पावर सेक्टर्स में अगर मैं ये करूँ तो ये ज़्यादा ज़्यादा थर्मल्स पावर्स में काम कर रहे हैं और अभी ये सोलर एनर्जी में भी काम स्टार्ट किए हैं, साथ में हाइड्रो पावर्स पे भी काम इन्होंने शुरू किया। तो अगर हम ये देखें तो एनएलसी इंडिया एक कंप्लीट पावर सेक्टर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जो कि इनका बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइंस में अदर स्टेट्स में लग रहे हैं और इनके पावर सेक्टर्स कंटिन्यूली से बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर भी रहे हैं। लास्ट उस ईयर से अगर मैं देखूँ, लास्ट 10 to 15 ईयर से लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल्स भी है। अगर किसी कंपनी को हमें समझने हैं, हमारे पास दो टूल्स हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स टूल है। दोनों टूल्स के यहाँ पे हमें शेप क्रॉस कर सकते हैं कि हमारा ये एनएलसी इंडिया स्टॉक्स हमें प्रॉफिटेबल्स बना सकती है या नहीं सकती है। और इसका जो टेक्निकल्स एनालिसिस पे हमें ये कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक्स किस मूवमेंट पे कहाँ पे खड़ी है, कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो अगर हम एनएलसी इंडिया की हम फंडामेंटल्स की अगर डिस्कस करें तो ये करंट प्राइस 242 है, स्टॉक की रेशियो 17.4 है, बुक वैल्यूज 119 का है और डिविडेंड एलसीएस ये जरूर देता है, 1.45% का देता है। आरओसी इसमें 13.5% है, आरओई 15.5% के साथ ग्रोथ कर रही है। दूसरा अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू देखें 126 है और डिविडेंड डेट टू इक्विटी 1.32 है, ईपीएस जो है इसका 13.8 है और प्रॉफिट ग्रोथ 22.1% है। अगर हम करंट रेशियो देखें तो 1.31 से जो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज के हिसाब से निकलता है, ये हमारा करंट लाइबिलिटीज, ये करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज है। अगर हम पितरस के हिसाब से देखें तो 9 आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। अगर हम एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 1.21 है और प्रमोटर की होल्डिंग 79.2 है और ग्राम नंबर्स 192 है, डीआईएस की होल्डिंग 88.85% है। अगर हम इस स्टॉक्स के बारे में ये बात करें कि ये स्टॉक्स हमारा ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, ये हमारे दो तरीके से दिखता है, एक इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, दूसरा ग्राम नंबर्स के हिसाब से। तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से ये देखो, इंट्रेंसिक वैल्यू 126 है और करंट प्राइस उसका 242 है, इसको डिवाइड करें तो 1 कुछ निकलेगा, तो दैट मीन्स हमें 2 पॉइंट्स के लगभग निकलेगा। तो हमें ये समझ में आ रही है कि ये अभी स्टॉक्स 2 टाइम्स ओवर वैल्यूज है। ग्राम के नंबर के हिसाब से 1 कुछ निकलेगा तो इसका मतलब 1 टाइम्स है, दैट मीन्स ये जो स्टॉक्स है अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूज है, बट इसका जो ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इसका प्रॉस की बात करूँ तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 27.0 और डेट टू डेज इंप्रूवमेंट 162.96.3 दिख रहा है। कंपनी वर्किंग कैपिटल्स जो रिड्यूस किया 187 से 139 से। मैं जो आपको ये प्रॉस एंड कॉन्स दिखा रहा हूँ, ये हम तभी ये काम करेगा जबकि आप इसमें लॉन्ग टर्म्स में जाते हो, मीन्स 1 ईयर 2 ईयर्स में जाते हो, तभी आपको ये काम करेगा। लेकिन हमारा एक टारगेट होता है कि हमेशा स्विंग चेंज जाए, प्रॉफिट कमाए, बुक करके नीचे आ जाओ, कंसोलिडेट होने दो या रिडक्शंस होने दो, हमें डिस्काउंट्स में आने दो स्टॉक्स को, वन अगर डिस्काउंट्स कंप्लीट हो जाता है फिर वहां पे एंट्री लो, यही हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस करने का। नेक्स्ट अगर हम इसके फंडामेंटल्स ले हमारा कंप्लीट हो गया, हम टेक्निकल्स की अगर बात करें तो एनएलसी इंडिया हमें जो यहाँ पे दिख रहा है, मंथ जीएफएस की हम बात कर रहे हैं, जीएफएस में ग्रैंडफादर फादर सन्स की रिलेशनशिप की बात, ग्रैंडफादर्स में हमें मंथली को देखना होता है, तो हमें ये देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस लास्ट 10 मंथ से ये कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। 11 मंथ्स में ये जो हमें दिख रहा है, मीन जनवरी का जो महीना है, इस महीने में दिख रहा है, ये सबसे पहले नीचे तो गया था, इस लेयर को 212 के जो लाइन्स है इसको सपोर्ट के रूप में काम करके फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो हम इसका फिर ये दिख रहा है, अगर हमें वीकली बेसिस पे देखना हो तो हमें वीकली बेसिस पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमने देखा था वहाँ से नीचे से लेकर ऊपर गया,
तो ये हमें देखा है लास्ट टू कंसेक्यूटिव डे में अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ही जा रहा है। ये चीजें अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने आ जाता है कि ये स्टॉक्स इस लाइंस को टच करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही दिखा रहा है। ये स्टॉक्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है जहां से कि ये हायर हाई बनाने की कोशिश करे, तो इसका हमारा टारगेट 300 की ये इस अगर ब्रेकआउट को टोड़ के बाहर के वोट कराने की कोशिश करेगा तो ये 320 का दिखाएगा, तो आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, 10% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और 5 to 10% के बीच में, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ये दे देगा। दूसरा, अगर हम समरी पॉइंट में आ जाए तो ये टारगेट 320 का होता है। अगर इसकी होल्डिंग के लिए 30 डेज है और 300 से लेकर 320 डेज में अगर ये बुक प्रॉफिट आता है तो आप बुक प्रॉफिट करके बाहर निकल जाए। और मैं आपको लास्ट में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा वीडियोस और हमारा एनालिसिस, आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है। दोनों की एनालिसिस अगर हम काम करेंगे साथ पे, तभी आपको ये वीडियोस आपको ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सूट करेगा। आप उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है या नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते नहीं है, देखना जरूर शुरू करें क्योंकि तब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको आ जाएगा क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन नहीं बन सकते और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखें और समझें, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।